हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और टुडे टॉपिक इज अकाउंटिंग रेशियो, क्लास प्लस टू, चैप्टर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 50 टू क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 50 से 54 तक के हम इसमें रेशियो कवर करेंगे, जिसमें हम फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो और करंट एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। फिक्स एसेट आपके पास दिए है, सेल दिए है, 2018 और 2019 का फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो जो है निकालना है, किस प्रकार से निकालेंगे, क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 50 में हम सबसे पहले फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सबसे पहले लिखा जाएगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन करने से पहले जो चीज आपसे पूछी है सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सेल, आपको इसमें निकालना है, यदि भी फॉर्मूला होता है नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, परंतु यहां पर सेल दी हुई इसलिए नेट सेल डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट। तो किस प्रकार से जो है हमारे पास सेल और फिक्स्ड एसेट हमारे पास दिए हैं, तो हम इसको जो है 2018 और 2019 में किस प्रकार से निकालेंगे। 2018 में हमारा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो जो है वो आएगा, नेट सेल हमारे पास दी है 20 लाख और फिक्स एसेट हमारे पास दिए हैं 4 टाइम्स। तो 20 लाख को आप 4 लाख से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 टाइम्स। तो ये आपका आंसर आएगी 5 टाइम्स 2018 में। और 2019 की बात करें तो 2019 में हमारे पास फिक्स एसेट है 24 लाख और जो फिक्स एसेट है वो आपके 8 लाख है। तो इसकी बेस पर आपने इसको निकाला तो आपके पास आया 3 टाइम्स। तो अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद यू विल फाइंड द जो 2019 की अगर बात करें तो 2019 में 2018 के कंपेयर में यदि भी जो फिक्स सेट है वो बढ़े, जो आपकी नेट सेल है वो बढ़ी, परंतु फिक्स सेट जो दुगने हुए। इसका मतलब है कि जो आपका टाइम्स में हाई रेशियो आया वो हाई रेशियो नहीं हुआ बल्कि लोअर रेशियो हुआ। इसका मतलब है कि आपके फिक्स सेट का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है और कि आपकी सेल भी जो है, क्योंकि अगर आपके फिक्स सेट दुगने हुए तो आपकी सेल भी दुगनी होनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो इस रेशियो के द्वारा अगर आपको कंक्लूज मतलब कमेंट करने को बोलते हैं तो ये बोलेंगे कि द फिक्स सेट टर्न रेशियो शो द कि आपकी जो फिक्स सेट है उसका बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 51, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। कैलकुलेट फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेटिंग टू द टू ए फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। सेल आपके पास दी है, कैश और क्रेडिट। फिक्स एसेट एट कॉस्ट दिया है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी दिया है, करंट एसेट दिए हैं, सेल रिटर्न दिया है। करंट एसेट का तो कोई औचित्य नहीं है, बाकी सारी आइटमों को किस प्रकार से दिखाया जाएगा वो आपको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 में हमने सबसे पहले फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखना है। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, आप सभी जानते हैं फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, इसके बेस पर भी नेट सेल डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट। तो नेट फिक्स्ड एसेट और नेट सेल किस प्रकार से निकाली जाएगी, तो सबसे पहले हमने निकाल लिया नेट सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस रिटर्न। तो हमारे पास कैश सेल दी हुई है 12 लाख, हमारे पास क्रेडिट सेल दी हुई है 8,50,000, हमारे पास रिटर्न दिया हुआ है 50,000। तो जिसकी बेस पर हमने नेट सेल निकाली दैट इज आई 20 लाख। तो 20 लाख की हमारे पास जो आई वो नेट सेल आई। अब हमने निकालना है नेट फिक्स्ड एसेट होता है फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट लेस डेप्रिसिएशन। तो फिक्स्ड एसेट आपके पास दिए हैं 5 लाख के और डेप्रिसिएशन दिया आपका 5 लाख का 20%, दैट मींस कि 1 लाख। तो ये क्लियर है कि ₹5 लाख माइनस 1 लाख, ये आपके पास आया ₹4 लाख आपके पास आया
नेट फिक्स्ड एसेट, फिर आपने फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल, नेट सेल आपके पास दिए ₹20 लाख, और नेट फिक्स्ड एसेट आपके पास दिया है ₹4 लाख, तो आपके पास आंसर आया 5 टाइम्स, तो आंसर आपके पास आएगा 5 टाइम्स। तो किस प्रकार से जो है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, नंबर 52 में फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके पास केसीएल दिया, आपके पास क्रेडिट सेल दिया, आपके पास रिटर्न दिया है, आपके पास फिक्स्ड एसेट अलग अलग दिए हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर आपका करंट एसेट है, स्टॉक आपका करंट एसेट है, फर्नीचर मशीनरी आपकी फिक्स्ड एसेट है, और ये आपका करंट एसेट है, कैश बैंक प्रीपेड एक्सपेंसिस कैश एसेट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का भी कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीनरी आपके फिक्स्ड सेट है, तो इनको हम लेंगे कैसे लेंगे, क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। टू फिक्स्ड सेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड सेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल, नेट सेल डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड सेट। तो नेट सेल हमने सबसे पहले निकालनी है, नेट सेल इज इक्वल टू के सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस रिटर्न। तो हमारे पास के सेल दी है ₹7,50,000, हमारे पास क्रेडिट सेल दी है ₹1,60,000, और हमारे पास रिटर्न दिया है 10,000। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, और इसको जब कैलकुलेट करने के बाद ये आपके पास आया 9 लाख, तो 9 लाख आपके पास नेट सेल आ गई। अब आपने निकालना है फिक्स्ड सेट, फिक्स्ड सेट जो आपके पास है बिल्डिंग प्लस फर्नीचर और प्लस मशीनरी और बाकी सारी आइटमें यूजलेस हैं। तो बिल्डिंग आपके पास है ₹3 लाख प्लस फर्नीचर, फर्नीचर के बाद आपके पास बिल्डिंग के बाद आपके पास फर्नीचर है ₹50,000, और आपके पास मशीनरी है 1 लाख। इन सबको जोड़ेंगे आपको तो आपके पास आया ₹4,50,000। यदि डेप्रिसिएशन होता तो हम उसको डेप्रिसिएशन को घटाते, वो हमारे पास है नहीं। तो हमने फिक्स्ड सेट टर्नओवर रेशियो निकालना है, फिक्स्ड सेट टर्नओवर रेशियो जो है वो आपके पास आया नेट सेल ₹9 लाख डिवाइड बाय ₹4,50,000, दैट मीन्स कि आंसर आया आपके पास 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स में जो है आपने इसका आंसर निकाला। तो इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर हम जो है फिक्स्ड सेट टर्नओवर रेशियो के बाद करंट असेट टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करना बताएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट करंट असेट टर्नओवर रेशियो, करंट असेट आपके पास दिए हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिए हैं 2018 और 2019 का, तो किस प्रकार से इसको निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। तो करंट असेट टर्नओवर रेशियो, करंट असेट टर्नओवर रेशियो, करंट असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और नेट सेल डिवाइड बाय करंट असेट, डिवाइड बाय करंट असेट। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दिया और हमारे पास करंट असेट भी दिए हैं, तो हमारे पास 2018 का हमने निकालना है। तो 2018 का हमारा करंट फिक्स करंट असेट टर्नओवर रेशियो आया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू दी है हमारे पास 5 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, दैट इज 2.50 टाइम्स। उसके बाद 2019 की बात करें तो 2019 में हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी है ₹6 लाख, और हमारे पास करंट असेट दिए हैं ₹3 लाख। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 2 टाइम्स। तो
इसमें भी आप लोगों ने देखा कि लोअर रेशो आया, इसका मतलब है कि हमारा करंट असेट का जो है वो सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जबकि 2 लाख से 3 लाख हुए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी 5 लाख से 6 लाख हुई। तो हम इस कमेंट में अगर करें तो बैटरी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ करंट असेट का। तो ये था जी आपको क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 54, करंट असेट टर्न ओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट करंट असेट टर्न ओवर रेशो। सेल आपके पास दिया है, सेल रिटर्न आपके पास दिया है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, आपके पास स्टॉक दिया है, डेटर्स दिए हैं, कैश बैलेंस दिया है, तो किस प्रकार से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस पे स्टॉक टर्नओवर करंट असेट टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो करते हैं क्वेश्चन, करंट असेट टर्नओवर रेशियो, करंट असेट टर्नओवर रेशियो, करंट असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल, परंतु यहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस पे निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय करंट असेट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम सबसे पहले निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल माइनस जीपी, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल में हमने सबसे पहले हमारे को सेल में हमारे को नेट सेल निकालनी पड़ेगी, तो यानी कि जो फार्मूला होगा इसमें वो होगा नेट सेल, सेल माइनस सेल रिटर्न माइनस जीपी। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास सेल दी हुई है 3,20,000 माइनस सेल रिटर्न 10,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपके पास 60,000 दिया है। तो जब आप इसको घटाएंगे तो आपके पास आया रुपीज 2,50,000, 2,50,000 जो आपके पास आई वो आई जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब आपने निकालना है करंट असेट, तो करंट असेट के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी है, जो हमारे पास करंट असेट दिए उनके बेस पर हम निकालेंगे। करंट असेट हमारे पास दिए हैं स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस कैश बैलेंस। तो स्टॉक हमारे पास दिया है रुपीज 40,000, हमारे पास डेटर्स दिए हैं रुपीज 2 लाख, और हमारे पास कैश बैलेंस दिया है 10,000। तो अगर आप इसका टोटल करें तो आपके पास है रुपीज 2,50,000, और अगर आप करंट असेट टर्नओवर रेशियो की बात करें तो आपके पास आया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दैट इज 2,50,000 रुपीज 2,50,000 डिवाइड बाय रुपीज 2,50,000 दैट इज 1 टाइम्स। तो इस प्रकार से ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 54। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।